टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इक्वल चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस सो क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? पेयर किसका पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस और जो पेयर बनेगा उसको, उसको, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड उसको क्या बोलेंगे डाइपोल फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन डाइपोल दैट इज कॉल्ड ए डाइपोल डाइपोल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मोमेंट इज तो ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने के लिए उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कौन सा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एग्जांपल दिस इज ए वन चार्ज माइनस हु दिस इज ए सेम चार्ज बट ऑपोजिट साइन प्लस क्यू दिस टू पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है टू एल डिस्टेंस टू एल और ये क्या बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट जिसको हम किसके साथ represent किया? P के साथ रिप्रेजेंट किया के सो इलेक्ट्रिक को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया पी के साथ सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल सो दैट्स व्हाई यहां पे देखिए क्या हमने वेक्टर के साथ so,

पॉजिटिव चार्ज ठीक है स्टूडेंट सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज चाहे वो प्लस के चाहे माइनस लिखो द टू चार्ज इसी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या आ गया क्या वो तो वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम बता चुका हूं मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और यूनिट क्या होंगे चार्ज के यूनिट्स होंगे कूलम और 12 के क्या होंगे मीटर तो क्या आंसर आ गया कूलम मीटर सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर कह रहे आइडियल डाइपोल इज अ डाइपोल इन विच चार्ज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर स्टूडेंट अगर ये आपके मैग्नीट्यूड चार्जेस का ज्यादा होगा और ये इंटर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस स्मॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे आइडियल डाइपोल उस डाइपोल को क्या बोलेंगे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल सो नेक्स्ट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पहला केस कौन सा है एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन अब क्या निकालनी निकाल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है उसकी स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दो केसेज हैं एक है एलोंग एक्सियल लाइन दूसरा अलोंग इक्वेटोरियल लाइन पहले हम कौन सा a point on the axial line. ये क्या डिसकस करेंगे आपके माइनस क्यों चार्ज, चार्ज प्लस क्या बन गया डाइपोल बन गया डेफिनेशन ऑफ ड्राइपोल मोवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दिस इज ए सेंटर पॉइंट ओ दिस इज दल बिकॉज दीज टू चार्जिस आर Separated by distance कितना था 2L. L ये वाला क्योंकि o is the center point, तो क्या होगा हमने इस P point पे क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज टू चार्जिज मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी पॉइंट पे निकालनी है और ये पी पॉइंट आपका इस सेंटर पॉइंट ओ से कितनी दूर है स्टूडेंट एट ए डिस्टेंस एक्स ठीक है स्टूडेंट डायग्राम क्लियर हो गई टू चार्जिस आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस टू एल दिस ओ इज अटर पॉइंट हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से और वो पी पॉइंट इस सेंटर पॉइंट ओ से कितनी दूर है एक्स डायग्राम क्लियर नौ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज ए इज ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज बी इज ई बी अब स्टूडेंट डायरेक्शन देखिए ध्यान से जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है स्टूडेंट वहां पे हमने क्या सुपोज करना है ये मैं आपको बता चुका हूं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और जो क्या है वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कि इन जो टेस्ट चार्ज है पी पॉइंट पे उनका इफेक्ट इन चार्जेस के ऊपर ना पड़े सिर्फ इन चार्जेस का इफेक्ट ही इस पी पॉइंट पे जो चार्ज है टेस्ट चार्ज पड़े अब स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज है पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है टेस्ट चार्ज वो कौन सा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये पी पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यों नोट? Very, very क्या नोट वेरी वेरी स्मॉल अब स्टूडेंट क्या होगा किसने खींचना है स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है स्ट्रेंथ तो इस चार्ज की ज्यादा है ना तो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी इस तरफ तो पता चल गया स्टूडेंट आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इस तरफ ही क्यों आई क्योंकि जो यहां पे चार्ज था वो क्या था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा मैंने क्या कहा है? इस चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़े इस चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े ठीक है स्टूडेंट अब इस चार्ज ने इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना है अट्रैक्ट करना है ये अट्रैक्शन हो गई क्योंकि तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है लार्ज और डायरेक्शन ये चार्ज माइनस क्या कहां पे था ए पॉइंट पे और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां था पी पॉइंट पे और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्या क्या आ गई क्या आ गई टुवर्ड्स द पॉइंट दि� ए ठीक है स्टूडेंट सो ये डायरेक्शन पता चल गई स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है अदरवाइज आपको डेरिवेशन समझ नहीं आएगी अब मैं आपको डायरेक्शन ऑफ ई बी बताने वाला हूं अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्या हो ये कहां पे है एट पॉइंट बी और पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये पी पॉइंट पे है अब स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या है लार्ज इसका मैग्नीट्यूड क्या है स्मॉल अब स्टूडेंट क्या करेगा इन दोनों में क्या होगी रिपल्शन अब रिपेल कौन करेगा स्टूडेंट इसका इफेक्ट तो इसके ऊपर है नहीं तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर है तो रिपेल्शन होगी तो कौन रिपेल करेगा प्लस क्यू किस को रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सो बी पॉइंट सो बी पॉइंट के कारण मतलब प्लस क्या के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई अवे फ्रॉम द पॉइंट बी ये रही ठीक है स्टूडेंट दोनों की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है ई एंड ई बी की डायरेक्शन कैसे आई नहीं समझ लगी तो इसको रिपीट करके फिर से देख लो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस डेरिवेशन सो नेट इलेक्ट्रिक क्या स्टूडेंट और यहां पे कौन सा चार्ज, है? चार्ज है. अब ये क्या कर रहा है इसको रिपेल कर रहा है ये क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है ये ई बी की डायरेक्शन थी और ये ई ए की डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई है ऑपोजिट अब स्टूडेंट ई बी का मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा क्यों ज्यादा है क्योंकि ई जो ये प्लस क्यों चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस ध्यान से देखिए इन दोनों में डिस्टेंस क्या है कम अगर डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्टेंस कम होगा तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा ज्यादा इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी है वो गया ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई दोनों वैक्टर्स क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट ये आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्टर्स क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं और सब्रैक्ट कैसे होंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो पहले हो गया और जिसका मैग्नीट्यूड कम है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ गया तो पी पॉइंट पे अब जो

ये वेक्टर एडिशन है ठीक है स्टूडेंट तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा ई बी माइनस ई ए अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय क्या फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यही फार्मूला है वन ओवर फोर पाई एफ्सलोनोट तो आ गया क्यों भी आ गया अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए ये ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है ध्यान से देखिए यहां तक डिस्टेंस कितना है ओ से पी तक एक्स और ओ से ए तक कितना है एल तो ये टोटल कितना हो गया एक्स प्लस एल समय so, लगी स्टूडेंट सो AP क्या आ गया AP आ, आ गया आपका एओ OP. ए कितना है एल ओपी कितना है एक्स तो क्या आ गया एक्स प्लस एल एपी आ गया बिकॉज फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉइंट ए क्या वन ओवर फोर पाई एप्सलन ओर चार्ज कितना ए पॉइंट पे क्या ओवर क्या होगा एपी स्केयर और एपी स्केयर क्या आ गया एक्स प्लस एल होल स्केयर और ये डायरेक्शन आ गई डायरेक्शन क्या आई स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट क्योंकि अलॉन्ग द एक्स है और ये बी की आ गई स्टूडेंट अब बी पॉइंट देखिए अब हमने बी पी डिस्टेंस निकालना है बीपी क्या होगा ये बी और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है ठीक है स्टूडेंट बीपी क्या होगा ओ पी माइनस ये ओ पी है और ये माइनस करना है ओ पी माइनस ओ बी माइनस कर दिया टोटल एक्स से जब हम इस एल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस एक्स माइनस एल बिकॉज बीपी क्या स्टूडेंट आपका बीपी क्या ध्यान से देखिए बीपी क्या है ओपी ये टोटल OP है ओपी में क्या माइनस कर दिया ओबी तो क्या आ गया हमारे पास बीपी और ओपी कितना एक्स ओबी कितना एल क्या आ गया एक्स माइनस एल और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉइंट बी क्या होगी वन ओवर फोर पाई एप्सला नॉट चार्ज तो क्या हुआ है डिस्टेंस क्या आ गया बीपी बीपी स्केयर और बीपी क्या आपका एक्स माइनस एल डायरेक्शन क्या है लॉन्ग द एक्स है तो आई क्या आप आ गया तो टोटल क्या आ गई ईपी क्या आ गया ईबी माइनस ई ए का मैग्नीट्यूड माइनस ई का मैग्नीट्यूड दोनों का कर दो स्टूडेंट आप सप्रैक्ट कर दो ये क्या आपका वन ओवर फोर पाई एप्सलन नॉट ये हमने कॉमन निकाल लिया ये चार्ज क्या वो भी हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में और ये क्या आपका ई ये ई आ गया माइनस और ये क्या ई ये ये आ गया ठीक है स्टूडेंट माइनस कर दिया ई बी माइनस ई ए अब सुन जब इनको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा मैं अभी सोल्व करके बता देता हूं ये फोर पाई हमने निकाल लिया पास क्या आ गया था वन ओवर, एक्स और ओवर एक्स नीचे स्टूडेंट हम एल्शियम लेंगे क्या एल्शियम लेंगे एक्स माइनस एल होल स्केर एक्स प्लस एल इधर चला गया इधर चला जाएगा एक्स प्लस एल होल्सकेयर ये इधर आ जाएगा एक्स माइनस एल होल अब स्वयं को ब्रैकेट खोलेंगे एक्स एक्सकेयर एक्स स्केर कट गया एल स्केर के साथ एल स्केयर कट जाएगा ये क्या आ गया टू एक्स एल यहां पर क्या आ गया माइनस टू एक्स एल माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस तो क्या आ जाएगा फोर एक्सएल और नीचे नीचे स्टूडेंट क्या एक्स माइनस एल एक्स ल, द, एक प्लस एल ए माइनस बी एस ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्तर माइनस बी स्क्र क्या आ जाना है एक्स स्क् माइनस एल स्केर और इन दोनों में क्या थे होल स्केर. ये आपका आ गया और इस फोर को हमने सिप्रिट कर लिया ये टू एंड टू ठीक है स्टूडेंट सो क्या आ गया वन ओवर फोर पाई एप्सल नॉट को हमने क्या कर लिया स्पिट कर लिया टू ये क्या बाकी क्या बच गया एल और ये वाला एक्स बाहर हमने ऐसे क्यों किया क्योंकि क्या क्यों होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नीचे एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर आपके पास था ही ठीक है स्टूडेंट तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट सो नेक्स्ट स्टेप सो टू टूवेल्व को हमने क्या लिख लिया पी और ये आपका एक्स ये वाला और ये टू ये वाला सो so, हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन वन ओवर फोर पाइप टू पी एक्स एक्सर माइनस एल होल स्केर ये फॉर्मूला आपने याद करना है ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट एंड फॉर एन आइडियल डाइपोल और डायरेक्शन है द एक्सियल प्लेन ठीक है स्टूडेंट और डायरेक्शन किस तरफ होगी इस तरफ क्यों इस तरफ होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है ई बी माइनस ई ए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा बी का सो बी so की डायरेक्शन क्या है इस तरफ तो रिजल्ट भी किस तरफ होगी इसी तरफ होगी ठीक है स्टूडेंट अब अगर आपका डाइपोल क्या है? स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी लेस देन एक्स देन स्टूडेंट ये जो आपका एक्सकेयर माइनस एल स्केर था अप्रोक्सीमेटली क्या, क्या आ जाएगा एक्सकेयर माइनस एल स्केयर क्या आ जाएगा एक्सकेयर बहुत होल स्केयर था क्या आ गया x4 ये आपका क्या आ गया x4 और स्टूडेंट ये एक एक्स एक इसके साथ कट जाएगा नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब क्या आ जाएगा एक्स क्यूब फॉर ए शोर्ट डाइपोल एल इज वेरी वेरी लेन एक्स एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया एक्स स्केर वन ओवर फोर पाई एफर नॉट टू पी एक्स एक्सकेरस एल स्केयर अप्रोक्सीमेटली एक्सकेयर आ गया होल स्केयर नीचे क्या आ गया एक्स फोर एक एक्स इसके साथ कट जाएगा ऊपर क्या आ गया टू पी नीचे क्या आ गया एक्स क्यूबिस पेन पे वन ओवर फोर बाई एक्सल टू पी ओवर एक्स क्यूब ठीक है स्टूडेंट सो डायरेक्शन क्या आई मैंने अभी बता दिया डायरेक्शन ऑफ एक्ट्री फिल्डेड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ध्यान से देखिए स्टूडेंट और ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू आपको बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है एनडीए एयरफोर्स नेवी बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन मैं देख चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन किसकी तरफ है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ध्यान से देखिए डायरेक्शन किसकी थी डाइपोल मोमेंट की मैंने कहा इस तरफ है और रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आई इस तरफ आई थी क्योंकि डायरेक्शन पी, ए, ए, पी, ए ए ए ए ए होगा ए माइनस ए, ए मैग्नीट्यूड था और का, ए बी का ई बी का मैग्नीट्यूड क्या ई ए से ज्यादा सो डेट्स वाइज जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी जो चार्ज बी के कारण यहां पे आ रही है सो so, कारण के चार्ज पे डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ डायरेक्शन ऑफ डाइपर मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन क्या आई सेम आई सो ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिशन ठीक है स्टूडेंट सो नेक्स्ट आर्टिकल आ गया स्टूडेंट आपका एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे थैंक